So hi, welcome to all of you to beginner to master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और ढेर सारी अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस का. Unacademy प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके ड्रीम को पूरा करते हैं आपके साथ रहकर. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में. सो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 44,000 है, बट वही अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 64,000. बट अगर आप उस पर इस्तेमाल कर देते हैं आलोक वाईटी कोड को तो उसकी कॉस्ट आपको फिर पड़ेगी जाके 57,600 रुपीज़. तो बहुत जेन्युइन कॉस्ट है ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. इसमें आप पीटी मेंस ऑप्शनल सारी की सारी तैयारियां कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए. ठीक है, चलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर एंड जीएस. चलिए, जो हमारा कोर्स ओवरव्यू चल रहा है इसमें हम करते हैं डेली करंट अफेयर के जितने भी हमारे एमसीक्यू बनते हैं उन्हें, साथ साथ में हम स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते चलते हैं. तो जैसे आज अभी हम लोग अभी जो हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक जीके में वो पॉलिटी हमारी चल रही है. ठीक है, और इसमें हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कशन फॉर्म में करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके देखते हैं और ये सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में दूसरे एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी. तो आज हम करेंगे 7 जुलाई के जितने भी हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं करंट अफेयर से. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए, कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की. अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, लेटेस्ट का भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे. चलिए, तो पहला ऑप्शन कहता है इंडिया हैज बीन द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एवर सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म बिगेन इन 1991. तो यहां पे ये कह रहा है कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का. मतलब हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं इंपोर्ट के बदले. ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम सही है आपका. नेक्स्ट है जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फिश, मछली और बाकी सब जो हैं, ये सब जो हैं ये टॉप लिस्ट में आती हैं किसमें, एक्सपोर्ट्स के लिस्ट में. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 पे आती हैं, ये पॉइंट कह रहा है. और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है ये कि ऑन द एग्री इम्पोर्ट द बिगेस्ट आइटम इज पल्सेस. मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, हम किसका करते हैं, पल्सेस का करते हैं एग्री इम्पोर्ट्स की बात की जाए तो. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है केवल ओनली 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर. और आपका जो 3 है, 3 आपका गलत है, पल्सेस नहीं करते हम. सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑयल. ठीक है, एडिबल ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो वही अभी हम न्यूज देखते हैं किस लिए ये क्वेश्चन बनाया है आपका. करेक्ट आंसर विल बी सी, आत्मनिर्भर भारत इन एग्रीकल्चर. तो हम बात जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यही पे यहाँ पे पॉइंट है कि 1991 से हम लोग क्या है, नेट एक्सपोर्टर हैं किसके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के. ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया हैज बीन 1991 से. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं. देखिए मरीन जो है, ठीक है, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे क्या है, टॉप लिस्ट में है. सेकंड में है बासमती राइस और कॉमन राइस उसके साथ में. फिर उसके बाद हम स्पाइसेस सबसे ज़्यादा करते हैं और उसके बाद फिर आता है बुफेलो मीट, शुगर, टी, कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, इस तरीके से. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एडिबल ऑयल्स जो हैं वो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. ये बात आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एग्री इंपोर्ट हमारा जो होता है किसका होता है, एडिबल ऑयल का है. और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम क्या मंगाते हैं, पाम ऑयल मंगाते हैं. और पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका, इंडोनेशियन कंट्रीज में होता है. और वहाँ पे होने के कारण दिक्कत क्या है कि वहाँ पे पाम ऑयल की प्लांटेशन के लिए बहुत सारे जो जंगल है उन्हें काटा जा रहा है जो आगे चल के इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है. तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में. ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में इंडिया भी ये कर रहा है कि बहुत सारा पैसा देना पड़ता है तो क्यों ना जो पाम ऑयल है वो खुद ही इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू किया जाए, इसके लिए उसी की खेती शुरू की जा रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसे सॉल्व कीजिए. कम से कम आप इतना कोशिश कीजिए कि आप दिए हुए टाइम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें. ताकि
चलिए टाइम अप हो गया, तो बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबको पता है श्री डॉक्टर जो थे वेंकट रमन जी, ठीक है, साइंटिस्ट हमारे इंडिया के, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बात कहते हैं, उनके रिलेटेड हमेशा थ्योरी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन नया नया आता ही रहता है। तो पहला पॉइंट कहता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच वेयर रिफ्रैक्टेड लाइट इज यूज टू मेजर द वाइब्रेशन वाइब्रेशनल एनर्जी मोड्स ऑफ अ सैंपल। ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टेड नहीं है वो, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन के फेवर में, मतलब रिफ्रैक्शन के लिए पागल नहीं थे वो, किसके लिए थे, रिफ्रैक्टेड के फेवर में नहीं थे वो, थे स्कैटरिंग, मतलब फेवर में क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पे ये ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन मेनी वेराइट फील्ड एंड एनी एप्लीकेशन वेयर नॉन डिस्ट्रक्टिव माइक्रोस्कोपिक केमिकल एनालिसिस इमेजिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसका इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है, लाइट का एकदम सही स्टेटमेंट है ये, ठीक। थर्ड कह रहा है, रमन वॉजंट कन्विंस्ड बाय द एक्सप्लेनेशन दैट कलर ऑफ सी वॉज ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, उनका कहना था ये किसकी वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। सो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 2 and 3, ठीक है। चलिए तो सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब क्वेश्चन जो था किस लिए बना, कि मुंबई बेस्ड रिसर्चर्स जो हैं वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे आरएनए डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो स्लाइवा है, जो सैंपल है, स्लाइवा सैंपल है, उसमें से आरएनए डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए तो यही है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, एप्लीकेशन से लेके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए तो देखते हैं, पहले चीज ये कहता है कि विंटर डीजल जो है वो ऐसे एडिटिव रखता है जिसके कारण क्या होता है, ऐसे एडिटिव उसमें मिलाए जाते हैं जिसके कारण उसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है तरलता, मतलब वो कितना ज्यादा फैल सकता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए ये नहीं, विंटर डीजल में विस्कोसिटी ज्यादा हो गई मतलब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा, जितना ज्यादा कोई विस्कस होगा उतना वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो विंटर डीजल में ऐसे एडिटिव डाले जाते हैं जहां पे हायर नहीं लोअर हो जाए विस्कोसिटी, ये पॉइंट गलत हो गया आपका, ठीक है। आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैड हायर सिटेन रेटिंग एज इंडिकेशन ऑफ कंबशन स्पीड ऑफ डीजल एंड कंप्रेशन नीडेड फॉर द इग्निशन, ठीक है। तो सिटेन नंबर जो है उससे होता है कि कितना जल्दी जो फ्यूल है वो क्या करे, इग्निशन पकड़ ले, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, बट जो यहाँ पे खेला गया है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, यहाँ पे हायर के बदले क्या आना था, लोअर आना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, BF6 फ्यूल जो है उसमें सल्फर कंटेंट जो होता है वो काफी कम होता है BF4 फ्यूल से, एकदम सही स्टेटमेंट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही हुआ है, देखिए विंटर डीजल अभी डेवलप किया है किसने, करेक्ट आंसर विल बी बी, किसने किया है, आपके विंटर डीजल इंडियन आर्मी ने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है, कहाँ पे, लद्दाख में, जहाँ पे -30 degrees के आसपास टेम्परेचर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना के साथ लगातार हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स हैं किसी तरीके से रुके नहीं, सारा काम सही से होता रहे, ठीक है। तो वही बात हो रही है, विंटर डीजल में ऐसे एडिटिव डाले जाते हैं जो लोअर करते हैं विस्कोसिटी को, जिसके कारण कंबशन जो है वो आराम से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, BF6 जो फ्यूल है उसमें मेनली कंट्रोल किसको किया जाता है, सल्फर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा सल्फर को रोकने के लिए, तो ये सल्फर को ज्यादा कंट्रोल करते हैं BF4 के कंपैरेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है, ठीक है, इंडिया का हर साल जो होता है फुल मून डे में ऑन गुरु पूर्णिमा, ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करना है। उड़ीसा में बनाया जाता है, लद्दाख में बनाया जाता है, आसाम में बनाया जाता है, कि राजस्थान में बनाया जाता है। तो ये आपका बनाया जाता है कहाँ पे, लद्दाख में, कहाँ बनाया जाता है, लद्दाख। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी हमारे गए हैं तो वहां पे उन्होंने ये फेस्टिवल भी बनाया है, ठीक है। चलिए तो कहाँ पे बनाया जाता है, लद्दाख में बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जी अभी गए थे वहां पे, ठीक है। तो सिंधु दर्शन मनाया जाता है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है।
तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, हर साल होता है फुल मून डे के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो एल के आडवाणी ने 1997 में इसे स्टार्ट किया था, उसके बाद ये हर साल बनाया जाता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिनेशन। अब वो क्वेश्चन हो गया आपके आर्ट एंड कल्चर का, तो इस तरीके से पूछ लेगा और आप सोचोगे कहाँ से, बट वो क्वेश्चन कहाँ से होगा, आपका करंट अफेयर से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आप करिए, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स बाय द बी इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, बट वो इसलिए है क्योंकि जो करंट है वो हमें अलग से देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर कितना। चलिए तो इसे कहते हैं सिम्बोसिस, क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस, ठीक है। ये आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पूरा पोर्शन है, जहां पे आपको दो स्पीशीज के बीच में इंट्रैक्शन देखना होता है, ठीक है। रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, न्यूट्रलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है और सिम्बियोसिज्म होता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें वहां पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़ना है, समझना है चीजों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें यह होता है कि पॉलिनेशन जो फ्लावर का हो रहा है, वेयर फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड, उन्हें भी फायदा हो रहा है और बीज जो है उन्हें भी बेनिफिट मिल रहा है नेक्टर से। तो बोथ जो है एक दूसरे के प्लांट एंड बोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो इसे कहते हैं सिम्बोसिस, मतलब आपस में एक साथ मिलके रहना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस लिए बनाया गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्यों इसे डाला गया, इस न्यूज की वजह से। देखिए जो कैटरपिलर है, ठीक है, इन्होंने एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी, एक नई तरीके का अपने अंदर डेवलपमेंट शुरू किया है, जिससे ये अपने प्रीडेटर को, ये असल में इवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं अपने प्रीडेटर को ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा आपका न्यूज आई थी, ठीक है। तो बटरफ्लाइज हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, फैमिली, फैमिली देख सकते हैं, नाम इन्हें ब्लूज एंड हेयर स्टिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने प्रीडेटर को ही अपने किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया, इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो यही सब सारे पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इन सबको आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एंट के जो पूरा जो खानदान होता है, उसका जो पूरा झुंड होता है, उसे ब्रूड कहते हैं, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे फंक्शनल मॉर्फोलॉजी जो होती है, ठीक है, उसमें डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एंट कौन है, कैटरपिलर कौन है। तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सरे माइक्रोटोमोग्राफी, ठीक है, माइक्रो सीटी से इस्तेमाल किया गया, जिससे ये पूरी चीज की स्टडी की गई है। तो यही है आपकी न्यूज, द सीक्रेट ऑफ हाउ कैटरपिलर टेम एंट। तो यही आपका सिम्बॉटिक रिलेशनशिप जो है, ठीक है, वहां से एमेंसलिज्म कमेंसलिज्म किसी भी तरीके से पूछ के कर लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इसे आराम से कीजिए कि किस तरीके से दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए तो वही है, सिल्वर लाइन बटरफ्लाई और कॉकटेल एंट्स के बीच में ये पूरी चीज की गई है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हुआ है, किस लिए, क्योंकि सिल्वर लाइन जो है ये बहुत साल बाद, 100 साल बाद इंडिया में रीइंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। चलिए तो ये पूरी न्यूज आपके सामने है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ही न्यूज आर्टिकल यहाँ पे काट के रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। लोकस्ट इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है, बहुत पहले, हम जितने भी पिछले महीने के हमने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस किए हैं उसमें लोकस्ट को हम बहुत पहले से ही डिटेल में कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पहले से कर चुके हैं, ठीक है। और इलेक्शन स्टडी चैनल पे आपको ये बहुत सारे इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस पहले से ही मिल जाएंगे, जितने बन सकते हैं, ठीक है, कि इनसे क्या कितना रिलेटेड सब कुछ चीज़ें। तो बताइए कहाँ पे है, और जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी वो आराम से कर लेंगे कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो ये आपकी राजस्थान जोधपुर में है, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान जोधपुर, ठीक है। चलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कैटेगराइजेशन ऑफ डेजर्ट लोकस जो है, इनको कैटेगराइजेशन किया जाता है इनके आउटब्रोक को, अपसर्ज को और प्लेग को। तो ये कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे करती है, आपको ये बताना है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही। तो कैटेगराइजेशन कौन करता है इसका, FAO, ठीक है, FAO इसका कैटेगराइजेशन करती है, ना WHO, ना UN, ना IPCC, ठीक है। तो FAO इसका कैटेगराइजेशन करती है लोकस्ट को, आउटब्रेक, अपसर्ज और प्लेग की तीन कैटेगरी में बांटती है, आपको बस इतना जानना है, ठीक है। चलिए तो यही आपकी न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FAO ने क्या किया है, लोकस्ट का जो अलर्ट है वो इंडिया के लिए जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। चलिए अब आप इसके साथ साथ FAO के बारे में भी पूरी चीज जानेंगे, इसकी फॉर्मेशन कब हुई,
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बाकी चीजें कहाँ पे, ये हर चीज आपकी क्या है, ये स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है, ये स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसे आपको साथ साथ में कवर करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कंपल्सरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ करती है गवर्नमेंट को लाइसेंस जारी करने के लिए, जारी करने का किसी भी थर्ड पार्टी का, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी मार्केट की पेटेंटेड प्रोडक्ट का, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ऑनर। एकदम सही है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमी तब इसे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी थोड़ी चीजें आप इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, ठीक है। तो ट्रिप्स में साफ ये तौर पर लिखा हुआ है कि कह रहा है कि साफ तौर पे लिखा हुआ है, लिस्टेड कर रखा है कि क्या क्या रीजन होने चाहिए कंपलसरी लाइसेंसिंग के। ये एकदम गलत है, ट्रिप्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया ट्रिप ने कि कंपलसरी लाइसेंसिंग किन किन फैक्टर्स की वजह से दी जाएगी। तो ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी वन आपका केवल सही स्टेटमेंट है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वही है, सीपीआई पार्टी ने अभी ये मांग की है, ठीक है, गवर्नमेंट से कि एक ड्रग है, ठीक है, रेमडेसिविर, जिसे क्या है, जिसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दी जाए ताकि उसकी जेनेरिक ड्रग बन सके और वो लोगों को सस्ते में अवेलेबल हो, ठीक है। तो यही है कंपलसरी लाइसेंसिंग का पूरा फैक्टर, ठीक है। तो लाइसेंस थर्ड पार्टी को गवर्नमेंट दे सकती है विदाउट उसके कंसेंट के लिए, ठीक है। तीन साल खत्म हो जाने के बाद इन सारे फैक्टर्स को देख के गवर्नमेंट जारी कर सकती है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट चाहिए, पेटेंट इन्वेंशन जो है नॉट अवेलेबल है, ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, साथ में अगर वो इन्वेंशन इंडिया में कैरिड आउट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इन सब पे दे सकती है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1979 के अंदर आती है, ठीक है, और ट्रिप्स के अंदर डज नॉट स्पेसिफाई, ट्रिप्स ने इसको कुछ भी कंपलसरी लाइसेंसिंग के फैक्टर्स को कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, और इसके कारण इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बहुत सारी दवाइयों की कंपलसरी लाइसेंसिंग जारी कर देता है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि भाई दवाई बहुत महंगी है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग जारी हो जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसकी क्या करते हैं, जेनरिक ड्रग बनाते हैं और बहुत सस्ते में होती है, तकरीबन वही एफिशिएंसी होती है, और वो इंडिया पूरे दुनिया में बेचता है और जेनरिक ड्रग का बादशाह है इंडिया पूरे दुनिया में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबरशिप। ये नहीं है 20% नहीं है, कितना है 15% है, ये तो हम एकदम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दिस प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू 91st अमेंडमेंट, एकदम सही बात है, एक्ट 2003 एकदम सही बात है, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 165 नहीं 164 है, तो ये गलत हो गया, सेकंड वाला एकदम गलत है, तो ओनली वन यानी ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्यों ऐसा न्यूज में है, देखिए अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के वहां पे कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के गए और सब कुछ उन्होंने थोड़ी तबाही मचाई, क्योंकि क्या हुआ है वहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सीट है 15% से ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। तो आर्टिकल 164(1)(a) जो कहता है वो ये कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए स्टेट की जो भी मतलब लेजिस्लेटिव है या कुछ भी है उसके टोटल मेंबर ऑफ सीट्स जितनी है, ठीक है। किससे ऐड किया गया था ये प्रोविजन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से अमेंड किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आपको ये जवाब देना है। चलिए, तो नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में थी आपकी, तो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपकी कहाँ पे, ये सिचुएटेड है आपकी भूटान में, कहाँ सिचुएटेड है, भूटान में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए, तो यही पूरी न्यूज है, आप देख सकते हैं कि चाइना ने क्या किया है, इस साक्तेंग जो ये सेंचुरी है इसके ऊपर अपना क्लेम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्या हुआ,
देखिए इसके ऊपर क्लेम देना शुरू किया, जिसके कारण भूटान ने इसके बारे में साफ साफ मना कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी टेरिटरी है। क्योंकि देखिए चाइना ने डायरेक्ट तरीके से मना नहीं किया, इसने GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में ये बात कही कि आप इसको फंड मत दीजिए इस सेंचुरी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, सातसिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इस तरफ है, ठीक है, भूटान के ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। चलिए तो वही पूरी की पूरी बात है, सातसिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है। और भी कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और इनके बीच में, भूटान के बीच में, जारलुंग, पासलुंग और चुंबी वैली, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चुंबी वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी लोकेशन आपसे हम आगे के जो जितने भी अभी हमारे सेशन चलते रहेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके जितने भी बनते हैं और क्वेश्चंस बना के पूछे जाए जाते हैं, तो लगातार ये रिविजन आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसे आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, चुंबी वैली है, ये सब भी इनके बीच में आपस में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इसमें चाइना ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को ये कहा कि आप इसे फंड मत दीजिए, ठीक है, जो क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देता है ताकि वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा काम कर सके, ठीक है। चलिए तो यही है पूरी डिवाइडिंग लाइन, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग कि किसके बॉर्डर से लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इसे टच करता है। GEF की बात करते हैं, 1992 में रियो समिट में आया, ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, फंड अवेलेबल करता है डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर एनवायरनमेंट एंड अदर कन्वेंशन एग्रीमेंट्स के लिए, और लास्ट में बात है वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पैसा कौन रखता है इसका, पूरा ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक। 11वां क्वेश्चन है, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक कहां सेटअप किया गया है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। चलिए तो कहां सेटअप किया गया, दिल्ली में सेटअप किया गया है, कहां सेटअप किया गया, दिल्ली में सेटअप किया गया, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहां सेटअप किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिलरी साइंस, दिल्ली में, ठीक है। तो जो भी दिल्ली वाले हैं उन्होंने इस जगह के आसपास कई जगह से गुजरे होंगे, ठीक है, जेएनयू के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड कंटेन, ब्लड में क्या क्या होता है, देखिए रेड ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, बाकी सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं जो आगे चल के कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी है उससे लड़ सकता है, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। तो प्लाज्मा निकाल लेंगे बीमार आदमी में से और उसे इस्तेमाल करेंगे किसमें, मरीज में, और मरीज में तीन चार दिन के अंदर वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो बीमारी के वायरस है या कुछ भी है उन्हें खत्म कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब प्लाज्मा निकाला जाता है तो क्या होता है, जैसे आप लेटेंगे जाके, ठीक है, तो एक तरफ आपके एक तरफ सुई लगा दी जाएगी, दूसरी तरफ सुई लगा दी जाएगी, एक तरफ से आपका ब्लड लिया जाएगा, ठीक है, उस ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा और वो ब्लड वापस आपको चढ़ा दिया जाएगा, ये लगातार प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, LRO स्पेसक्राफ्ट जो है ये किसका मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जाक्सा का है, इसरो का है, नासा का है, किसका मिशन है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये किसका मिशन है, ये है आपका नासा का मिशन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको किसका मिशन है, नासा का, तो ये नासा का मिशन है। चलिए तो नासा ने इसे मिशन को किस लिए भेजा है, मून के लिए भेजा है, सब सरफेस को पढ़ाई करेगा। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी खतरनाक बात सामने निकल के आई है कि मून जो है वो ज्यादा मेटालिक है अर्थ से, तो अगर मून ज्यादा मेटालिक है अर्थ से तो इससे एक पुरानी थ्योरी जो थी जिसमें यह माना जाता था कि मून क्या था, अर्थ से ही टूट के अलग हुआ है, ठीक है। तो आम बात है दोनों का जो मटेरियल कंपोजिशन है वो एक जैसा है, बट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मून में जो मेटल है, मेटालिक कंपोनेंट है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इससे अर्थ से टूट के नहीं बना है, या फिर बना है तो अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकला है, ठीक है। तो ये पुरानी जो थ्योरी थी इसको ये यहाँ पे काउंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करण फोर, समटाइम आप न्यूज में देखते हैं, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये करण सिंह डोगरा नहीं है, ठीक है, ये करण फोर है, किसकी वैरायटी है, ये राइस की है, मेस की है, सुगर केन की है या कॉटन की है। चलिए देखते हैं,
तो करंट फोर जो है समटाइम न्यूज में देखने को मिलता है, ये किसकी वेरायटी है, शुगर केन की वेरायटी है, ठीक है। तो करंट फोर क्या है, शुगर केन की वेरायटी है। अब इसमें क्या होगा, शुगर की जो रिकवरी है वो ज्यादा होगी, और कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। देखिए ये फैक्टर आप समझिए, सुक्रोज जो कंटेंट होता है शुगर में वो साउथ के स्टेट में ज्यादा होता है, जो सदर्न स्टेट में जो गन्ना पैदा होगा वहां का गन्ना आप देखेंगे तो वो अलग तरीके का होगा, और जो यूपी साइड में आप देखेंगे तो गन्ना बहुत अलग तरीके का होगा। यूपी के गन्ने आपको पतले मरे हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें सक्रोज कंटेंट कम होता है। बट वही आप अगर साउथ स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र वहाराष्ट्र में, वहां पे गन्ने जो होते हैं उनके में सक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा उसमें क्या नाम है, आपको मोटापा, मोटापन और बाकी ज्यादा वेरायटी ऐसी रहेगी कि आपको जो आउटपुट होगा वो रिकवरी बहुत ज्यादा मिलेगी। बट यूपी में गन्ने की आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में उगाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, गन्ना यूपी करता है, ठीक है। तो अगर यूपी करता है और वैरायटी अच्छी डाल दी जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, किसानों के मजे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स समटाइम सीन इन न्यूज, ये क्या है आपको ये बताना है। सोशल मीडिया सुपर ऐप है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ट्रोजन है या फायरवॉल है, ठीक है। तो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा ये, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सोशल मीडिया सुपर ऐप है, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक और बाकी सब है वैसे है, देसी वर्जन है अभी, ठीक है। हमें पता ही है कि इंडिया अभी क्या कर रहा है कि जितनी भी ऐप्स हैं चाइनीज ऐप उन्हें बंद कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम लोग पहले ही करंट में कर चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, ठीक है, कि किस आईटी एक्ट के किस सेक्शन में ये किया गया है, ठीक है। हम पुरानी वीडियोस में हमने इसे किया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईटी एक्ट के किस सेक्शन में इन सारी एप्स को बंद किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही बात कह रहा है कि क्या है, कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनस सोशल मीडिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद कह रहे हैं, 15th क्वेश्चन अब आपके सामने है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस आर्टिकल के अंडर आता है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर विल बी 78, ठीक है। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को बताते हैं कुछ भी चीजों के बारे में, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलिए तो वही है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ब्रीफ किया है प्रेसिडेंट जी को, बॉर्डर टेंशन जो है चाइना के साथ और COVID-19 की सिचुएशन से, ये सब किसके अंडर आता है, आर्टिकल 78 के अंदर आता है, और स्टेट में आर्टिकल 167 के अंडर ये आता है, ठीक है। चलिए तो वही बात कर रहे हैं, अब देखिए ये सब खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक पूरा आर्टिकल थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं कि रीफ्रेंचाइज द फॉरगेटन वोटर, ठीक है। इसमें हम पूरी बात ये कर रहे हैं कि देखिए वोटिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, बट वोटिंग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को जो वोट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपके लिए मेनली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 साफ साफ ये पूरा एडिटोरियल ही आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है, कि इंडिया में वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है, किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, या फिर केस स्टडी के तौर पर आप इसे एज ए एग्जाम्पल भी पूरी चीजें इसमें से लिख सकते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पोस्टल बैलेट जो सिस्टम है वो बहुत कई लोगों के लिए खोल दिया है, 65 ऊपर के जो एज हैं उन्हें भी अब पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू वो वोट कर पाएंगे, 80 साल से ऊपर के और फिजिकली हैंडीकैप वालों को तो पहले से ही कर रखा है, ठीक है। अब बात ये करते हैं, इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, जो इंटरनल माइग्रेंट हैं वर्कर हैं इंडिया में उनकी जो टोटल है वो 13.9 करोड़ है, सोच रहे हैं, तो 13.9 करोड़ लोग जो हैं वो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो आम बात है इतने लोग वोटिंग से पहले ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो वोटिंग में जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड बात, देखिए कुछ और चीजें देखते हैं कि इंडिया में करंटली 91 करोड़ जो है रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है, और 2019 में 67.4% वोटर्स ने वोट किया। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि अपने मेंस में आंसर में कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये करते हैं, चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनआरआईज के बारे में भी, यहाँ पे पॉइंट किया गया कि 3 करोड़ है जिसमें से मुश्किल से 1 लाख कोई जो है वो वोट करते हैं, बाकी 2.5 करोड़ करते ही नहीं है, 2 करोड़ 90 लाख करते ही नहीं है वोट, ठीक है, 99 लाख नहीं करते हैं वोट, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी बात की गई है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पोस्टल बैलेट या कुछ सिस्टम देते हैं ऐसा कि जहाँ पे हम
फ्रेंचाइज दे सके इन्हें, तो हाँ हम ऐसा करते हैं, हम सर्विस वोटर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन्हें हम पोस्टल बैटल या फिर बैलेट या फिर प्रॉक्सी के थ्रू वोट करवाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे आपसे वे फॉरवर्ड पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, आधार बेस्ड, ठीक है, आधार बेस्ड सिस्टम से क्या करने के लिए वोटिंग कराने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए वहां का जो डीएम है, ठीक है, डीएम के अंडर ये पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड वाली बात हो रही है, ठीक है, वैसे ही वन नेशन वन क्या नाम है आपका वोटर कार्ड, इसकी भी बात चलनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि बैंक में ट्रांजेक्शन सब कुछ सही है, हर चीज सही है, तो उस तरीके से इसे भी करना फिजिबल है, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल काफी ज्यादा अच्छा है, बट सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आप मेंस में आंसर लिखें, ठीक है, तो कितने गया ये देखिए, मेंस में जब भी आप आंसर लिखें, ठीक है, तो आम बात है बहुत आपको नॉर्मल तरीके से लिखना होता है, ये नहीं कि एकदम बाबा बन जाना है। ठीक है, चीजों को सही से समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पॉइंट्स जितने ज्यादा आप मैक्सिमम ले सकें, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंट्रो। ठीक है, आप इंट्रो अगर किसी कोट के साथ करते हैं, ठीक है, या फिर आप कंक्लूड करते हैं किसी कोट के साथ, तो बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट बनता है। तो आपको कोट्स जो होती हैं वो हर जगह से नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोट बहुत अच्छी दी गई है, थॉमस जेफरसन द्वारा एक कोट दी गई थी, देखिए बहुत अच्छी है, जिसे आप अपने एग्जांपल में या फिर करते टाइम बहुत अच्छे से लिख देते हैं, वी डू नॉट हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी, वी हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी हु पार्टिसिपेट। ठीक है, तो जब भी आपसे कभी भी इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, बस ये थॉमस जेफरसन की ये वाले कोट को आप चिपका दीजिए। ठीक है, सही जगह देख के, ये नहीं कि जहां मन किया वहां डाल दिया। ठीक है, ऐसे में काम आएगा, कहीं पे भी काम आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज कर सकते हैं, इसका आप खुद से अपने क्या बनाइए, नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, बेटर रहेगा आप इसका फ्लो चार्ट बनाए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर 78389, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज माई कोड आलोक वाइटी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट्स ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट।